राम प्रतिष्ठा प्रेजेंटेड बाय मंगलदीप धूप और अगरबत्ती प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद बीते दिन के साथ दर्शन करने के लिए आ रहे लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। कड़ाके की सर्दी में लाखों की संख्या में आने वाले लोग अब तक करोड़ों रुपए का दान कर चुके हैं। मंगलदीप भगवान से दोस्ती। राम मंदिर में रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब तक कितने लोग दर्शन कर चुके हैं और राम मंदिर को अब तक कुल कितना दान मिल चुका है, इसे लेकर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से जानकारी सामने आई है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी अनिल मिश्रा के मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा के बाद दान के लिए खोले गए 10 काउंटर्स और ऑनलाइन मोड के जरिए लोगों ने सिर्फ एक दिन में ही लगभग 3 करोड़ रुपए से ज्यादा का दान किया है। यानी 22 जनवरी को जिस दिन से मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई उस दिन से मंदिर को ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में कुल 3,17,00,000 रुपए दान मिल चुका है। वहीं इससे पहले राम मंदिर निर्माण के लिए लगभग 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का चंदा मिला था। अगर मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की बात करें तो पहले दिन 22 जनवरी को 5,00,000 से ज्यादा लोगों ने मंदिर में दर्शन किए तो वहीं बुधवार यानी कि 24 जनवरी को रात 10 बजे तक 2,50,000 से ज्यादा लोगों ने मंदिर में दर्शन किए। मंदिर में एक साथ भारी संख्या में आ रहे लोगों की भीड़ को कंट्रोल करना शुरुआत में प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया था, लेकिन अब धीरे धीरे व्यवस्था पटरी पर लौट रही है। दूसरे दिन तो बहुत ज्यादा भीड़ रही और उसमें बहुत परेशानियां रही शासन प्रशासन को भी, लेकिन अब धीरे धीरे संयमी हो गए हैं लोग और बड़े ही शांति ढंग से रामलला का दर्शन कर रहे हैं। दर्शनियों की भीड़ अभी भी है लेकिन अब उतना नहीं है जितना धक्की मुक्की वाली बात हो, इसलिए जिस रूप से अपील किया गया था कि संयम रख करके और शांतिपूर्वक रामलला का दर्शन करें, दर्शनार्थी उसी रूप से शांतिपूर्वक रामलला का दर्शन कर रहे हैं। भीड़ अभी भी है लेकिन चल रही है बहुत शांति से। आइए अब आपको भी ये बताते चले कि अगर आप राम मंदिर में दान देना चाहते हैं तो कैसे दान कर सकते हैं। राम मंदिर के लिए दान देने के लिए एक QR कोड है जिसे स्कैन करके ऑनलाइन पेमेंट की जा सकती है। इसके अलावा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भी दान किया जाता है, मतलब किया जा सकता है। लेकिन इसमें इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि आप आधिकारिक वेबसाइट पर ही जाएं, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो फ्रॉड कर रहे हैं और वेबसाइट के नाम से मिलते जुलते नाम रखकर एक डोमेन बनाकर लोगों को ठगने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप मंदिर में दर्शन करने के लिए जाने वाले हैं तो सीधे दान पेटिकाओं में भी पैसे डाल सकते हैं और फिलहाल मंदिर में मोबाइल लेकर जाने की अनुमति है, परमिशन है, तो ऐसे में ज़्यादातर जो श्रद्धालु वहां जा रहे हैं उन्हें समस्या नहीं हो रही। हालांकि इस बात के लिए आप बिल्कुल सतर्क रहें कि अगर आप ऑनलाइन दान दे रहे हैं तो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर ही जाकर दान करें। यह हम बार बार बता रहे हैं ताकि आप किसी धोखाधड़ी का शिकार ना हो। 23 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने न केवल व्यवस्था को फिर से दुरुस्त किया बल्कि मंदिर में रामलला के दर्शन का समय भी बढ़ा दिया। नए नियम के अनुसार अब दर्शन सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक किए जा सकेंगे। इससे पहले ये समय सुबह 7 से 11:30 और दोपहर को 2 बजे से शाम 7 बजे तक ही था। हालांकि अभी दर्शन की ये टाइमिंग स्थायी नहीं है, यानी भीड़ कम होने पर या जरूरत के हिसाब से समय में बदलाव किया जा सकता है। अयोध्या में लोगों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन की ओर से लगातार निगरानी रखी जा रही है। इसके साथ ही मंदिर दर्शन के लिए आने वाले स्पेशल गेस्ट से अपील की जा रही है कि वह भी मतलब आने वाले 10-15 दिनों तक अयोध्या ना आए। अगर आए तो प्रशासन या श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट से बात करके ही आए। इस बीच अयोध्या में लोगों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए कुछ दिनों तक यहां आने वाली सभी गाड़ियों पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है और वहीं CM योगी आदित्यनाथ खुद लखनऊ से लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भीड़ की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। हालांकि अब बीते दिन के साथ आने वाली भीड़ को मैनेज करने के लिए तमाम अफसर मौके पर मौजूद हैं और भीड़ को कंट्रोल करने की स्थिति में भी सुधार हुआ है। बाकी इस तस्वीर को लेकर, इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सारी जानकारी मेरी साथी सुप्रिया ने लिखी थी। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।